अब लास्ट वाला अध्याय पे हम लोग आ गए हैं, आइसोमर्स, स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन और ये वो कर चुके हैं, टू बी कंटिन्यूड लिखे हैं, थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है, लास्ट में करेंगे, ताकि थोड़ा सा आरएफ कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स वाला बात सब, ईजेड वाला बात सब जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हो कॉन्फ़िगरेशनल में, ठीक है। तो इन जनरल क्या क्या डेफिनेशन है वो कि इन्हीं के बारे में थोड़ा बतियाते हैं कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशनल में। ये है नो बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है, नो बॉन्ड इज ब्रोकन मियरली अराइजेस ड्यू टू रोटेशन बिटवीन सीसी बॉन्ड्स। कहीं पर भी सी एन बॉन्ड भी आ जाए, सी एन मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा सी एच थ्री एन एच टू है ऐसा, ठीक है, यहाँ पर लोनटेन भी आ जाए, ये भी तुम बना सकते हैं ऐसे। मान लो एन यहाँ बना दिए, एन का एच एच लोन पेयर, और फिर पीछे वाला एन तो बना लिया, फिर पीछे आए और ये कार्बन है, तो पीछे क्या कार्बन उस पर क्या क्या है, उस पर है एच एच और एच, तो सी एन बॉन्ड भी इस टाइप से, एन एन बॉन्ड भी है ना, ऐसा है सब कॉन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा खास नहीं है ना। तो नो बॉन्ड इज ब्रोकन मेरे अराइज, बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। कन्वर्ट कैसे होगा, कन्वर्ट होगा कैसे, एक कॉन्फॉर्मेशन दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में कैसे जाते हैं, ड्यू टू रोटेशन बिटवीन सी 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 एन एन एन। यहां पे है बॉन्ड इज ब्रोकन एंड, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा एंड, जैसे तुमको कॉन्फ़िगरेशन में सिस ट्रांसफर तो समझ में आ रहा है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा एक बार, और बॉन्ड ब्रेक करके ना ग्रुप्स को, दो ग्रुप को हम लोग स्वैप कर लेंगे, उनका सिर्फ 3D में ओरिएंटेशन बदलेगा, पर जुड़ेगा कहाँ, बॉन्ड ब्रेक करके जोड़ेंगे उसी पे, तोड़े जैसे मतलब इसे इसे जुड़ा हुआ कार्बन है, मुंडी कार्बन है ना, दो बॉन्ड तोड़े और तोड़ कर क्या किए, स्वैप करके फिर से मुंडी से जोड़ दिए, जुड़ा उसी में, कनेक्टिविटी सेम रख रहे हैं, ध्यान है ना, स्टीरियो में क्या है कनेक्टिविटी सेम है, हर आटम जिस जो जिससे कनेक्टेड था वही रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड का तोड़ना रिक्वायर्ड है, हम लोग तोड़ेंगे थ्योरेटिकली, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रोकन बाय अस, हम लोग तोड़ रहे हैं बॉन्ड को, ठीक है। एंड टू ग्रुप्स आर स्वैप ऑन from there orientation या arrangement टू लिख रहे हैं कि टू से ज्यादा भी हो सकता है, ये भी तोड़ के साफ करती है, ये भी तोड़ के साफ करती है, ये भी तोड़ के साफ करती है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसा लिखा होता है, और स्वैप देयर ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट इन 3D स्पेस कीपिंग सेम कनेक्टिविटी। एक मोटा तौर पे बात समझ लो, इसमें कोई बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, इधर तुम लोग पढ़े थे ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बॉन्ड ब्रेक भी करेंगे और कहीं और जोड़ेंगे, इसमें भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे जोड़ेंगे वहीं पे, लेकिन क्या करेंगे पोजीशन स्वैप करके,
ठीक है, तो उससे देन अनदर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर इज फॉर्म। ये सारा काम कहा हुआ, ये हुआ थियोरेटिकली ऑन कॉपी या बोर्ड, पढ़ने के लिए समझने के लिए हुआ है, अपने मने कोई सीमा या पाइबोंड नहीं टूटता है, समझ में आ रहा है। हम लोग अपने समझने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में जाने क्या करेंगे, दो लोग का बॉन्ड टूटेंगे, पोजीशन स्वैप करके उसी पे जोड़ देंगे तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। इसके लिए क्या है, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना, बस रोटेट कर लेंगे। इसके लिए क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बॉन्ड तोड़े, इसको यहां जोड़ दिए और इसको कहीं और जोड़ दिए, अलग जोड़े तोड़े यहां भी, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक तरह का रफ थोड़ा सा एस्टिमेट हो रहा है दिमाग में, ठीक है वो। तो अब देखो, तो जैसे इसी के बारे में थोड़ा सा देखो, तो पहला जैसे ठीक है, हम क्या किए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तोड़े, ए और बी डिलीट थे, तोड़ दिए, तोड़ के उनका पोजीशन स्वैप कर दिए एंड अभी भी कनेक्टेड उसी से, देख लो सबको क्यों दिख रहा है, इसको और इसको हम तोड़े, तोड़ करके स्वैप कर दिए, दिख रहा है ये उनका 3D में ओरिएंटेशन, 3D 2D जो भी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में स्वैप कर दिए, अभी भी कनेक्टेड उसी से, इस कार्बन पे एक CLH है, हाँ उस कार्बन पे एक CLH है, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिलेशन है इनमें, दोनों कैसे बोलेंगे, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, टू डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। फिर से एग्जांपल वन, एग्जांपल टू देखिए, एक कार्बन है जैसे इससे ना चार डिफरेंट ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, HCl OH NH, ठीक है, कोई भी दो इन दोनों को मान लो, HCl NH OH, हम क्या किए, इन दोनों को तोड़े, जिस कार्बन से उसी कार्बन पे जोड़े, देख लो ये क्या है, पोजीशन स्वैप हो गया, ठीक है। एग्जांपल टू, दीज टू आर टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक कॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरा है, ये बात समझ में आ रहा है। एग्जांपल थ्री, ठीक है, जैसे मान लो फिशर में ही बात करते हैं, फिशर में ही बात करते हैं, ये हो गया COOH OH H OH H, COOH है, ठीक है ना। इसमें लोग अब सारा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, COOH, टेंशन मत लो खाली, अभी देखो OH H, अभी तो वही के सेम है, ये दोनों को तोड़ करके साफ कर दी, यहाँ OH और यहाँ H लगा दी, वैसे कोई भी दो को कर सकते हैं, इन दोनों को तोड़ करके हम क्या किए, स्वैप किए, टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो कब दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट आ जाता है वो पूरा बताइए, तो उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एकदम बढ़िया से समझने वाले हो, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रफ थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा बुझाया थोड़ा नहीं बुझाया, थोड़ा समझे थोड़ा सा नहीं भी समझे अभी, ठीक है ना। तो ये हम लोग और आगे बढ़ाने वाले, स्टार्ट किया जाए, ठीक है, चलिए। तो
इसमें मोटा तौर पे दो तरह का कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, मोटा मोटा डेफिनेशन, ठीक है, इनांसुमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनांसुमर्स पढ़ने के लिए स्पेशली तुमको काइरल ऑब्जेक्ट या काइरल मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले काइरल मॉलिक्यूल या काइरल ऑब्जेक्ट समझने जाते हैं, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हम लोग क्या सीखने आ रहे हैं, अभी होल्ड पर डाल दिए, होल्ड पर रखते हैं, एक नया पढ़ाई करते हैं, होल्ड कैसे कर लेते हैं, क्या है, हाँ पॉज का बटन है, पॉज कर दिया, एक नया पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना, कि काइरल काइरल मॉलिक्यूल आयन ऑब्जेक्ट क्या है ये चीज, ठीक है ना, इसको एक बार समझते हैं। इसी के चक्कर में ना हम लोग इसी को जानने के लिए ना हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, जिसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए काइरल ऑब्जेक्ट जानने के पहले, बिफोर दैट, सब में बिफोर लगते आ रहा है, ठीक है ना, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसको हम लोग पढ़ने वाले काइरल सेंटर, काइरल सेंटर ये पढ़ेंगे हम लोग, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर ऑब्लिक एस आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पहले काइरल सेंटर समझते हैं हम लोग, मतलब उस पर तो पॉज लगी है क्या, इसमें भी पॉज लग गया, और हम लोग पहला काम क्या करेंगे, काइरल सेंटर पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे, क्या होता है काइरल सेंटर, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसको खत्म करेंगे, फिर काइरल मॉलिक्यूल पे आ जाएंगे। सिंपल डेफिनेशन है काइरल मॉलिक्यूल का, ठीक है। काइरल मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन एक बार देख लो, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल काइरल होगा ना, काइरल मॉलिक्यूल कब होगा, जब वो अपने मिरर इमेज, कोई मॉलिक्यूल है उसका मिरर इमेज है, तो इमेज में भी वो दिख रहा होगा ना, उसको दूसरा मॉलिक्यूल मान, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और वो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज ना करे। काइरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या हो, काइरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं कर। सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ सर, सुपर इम्पोज का मतलब हुआ ना, जैसे मान लो कि जैसे मान लो सुपर इम्पोज के लिए, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन है, तो पेन मान लो मर गया, तो इसमें से वो आत्मा निकला है, ये देख, ये बॉडी है और ये आत्मा है पेन का, ठीक है। हम बोलेंगे ना आत्मा को कि अबे अभी घुस जा अंदर, टाइम नहीं हुआ इसके जाने का, इसके मरने का टाइम नहीं हुआ, तो आत्मा बोला कि ठीक है जा रहा जा रहा, जब ये अंदर घुसा रहा हो, वैसे अंदर घुस गया, ऐसे घुस गया अंदर है, इधर मत देखो, ठीक है। तो ये जो बॉडी फिर से निकाल ली, और ये जो आत्मा है ना, ये सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल मतलब जब ये पूरे अंदर में ऐसे घुस जाए ना, 3D में एकदम अंदर पूरे घुस जाए, पूरे तरह से इसको ढक ले, इसका एक एक 3D में जो XYZ पॉइंट है, वहाँ पे जो चीज़ है, वही इसके भी XYZ एक्सिस में 3D में जो पॉइंट है, जो एटम वहाँ था, इसमें भी हो। ये बात समझ में आ रहा है, सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का बोलेंगे हम लोग, देखो सुपर इम्पोजेबल तुम डिक्शनरी मीनिंग मत खोलना, सुपर इम्पोज तो बोल देते कि गंगा रिवर इज सुपर इम्पोज ओवर मैप ऑफ इंडिया, सुपर मतलब ज़्यादा होता है ना, सुपर अपडेट। तो सुपर मतलब होता है कि भाई जैसे इंग्लिश में तुम डिक्शनरी खोजोगे तो दिस पेन इज सुपर इम्पोज ओवर माई पाम, लेफ्ट पाम, दिख रहा है ये सुपर इम्पोज हुआ। इंग्लिश वाला डिक्शनरी मीनिंग से अलग चल रहा है कहानी, उसमें कन्फ्यूज मत करना। सुपर इम्पोज हम लोग कब बोलेंगे, जब सुपर पोजेबल,
सुपर इम्पोजिबल या सुपर पोजिबल, ये दोनों में एक ही मानना है ना केमिस्ट्री में, क्या कि ऑब्जेक्ट, अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एक आईना लगा दो, लगा दिए, अंदर में इमेज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये रहा आईना, इमेजिन करो बीच में ये ऑब्जेक्ट आईना है, अंदर देखिए इमेज कैसा दिख रहा है, ये वाला दिखेगा, आईने से जितना दूरी पे ये उतना ही दूरी पे ये, ठीक है, आईना हटा दिया, नहीं नहीं आईना अभी भी है, तो ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये वाक्य में अगर होता, ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हो गए, कौन, मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, दो लोग हैं। अब ये मिरर इमेज वाक्य में अगर होता, अगर ये एग्जिस्ट करता, तुम्हें मानना पड़ेगा एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तुम उसी को ला के यहाँ रख दिए, जो उसका मिरर में दिख रहा है ना, वो एक दूसरा मॉलिक्यूल मानो और ला के यहाँ रख दो, फिर अब आईना हटा दो, तो अब दो मॉलिक्यूल है, इसको इस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, तो घुस गया, अभी आत्मा था बॉडी में घुस गया, तो सुपर इम्पोज हो गया, फिर वापस निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये काइरल नहीं है, अगर ये काइरल होता तो अपना मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता, ठीक है, काइरल मॉलिक्यूल क्या होता है, अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, विल नॉट सुपर ऑन इट्स ऑन इट्स मिरर इमेज। तुम सोचोगे मिरर इमेज की क्या जरूरत पड़ी, हम बताते हैं क्या जरूरत पड़ी है, ये सबको समझ में आ गया है, ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे करो, तुरंत याद रखने के लिए ऐसे क्या क्या मेन मेन बात है, काइरल फिर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स एम आई, ठीक है, हाँ सी एन एस सर भी है वे? फेवरेट तुम लोग के, हाँ तो काइरल मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर काइरल मॉलिक्यूल है इंप्लाइज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बोलिए काइरल मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा, आपने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, काइरल सीएनएस मिशन इम्पॉसिबल ऐसे एम आई, अबे मिरर इमेज है मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मिरर इमेज तो क्या लिखा हो, काइरल का डिफरेंशियल क्या है, काइरल मॉलिक्यूल विल हैव, काइरल मॉलिक्यूल विल हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, काइरल मॉलिक्यूल विल नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, यही बात हुआ, अगर कोई मॉलिक्यूल काइरल है, ठीक है, तो उसका जो मिरर इमेज होगा उस पर सुपर इम्पोज वो नहीं होगा, बात समझ में आ रहा, ठीक है, जैसे मान लो कि मारुति 800 है, मारुति 800 ऑब्जेक्ट को बता रहे खाली है, कुछ चला नहीं है, रुका रखा हुआ मशीन सब है अंदर, उसका मिरर इमेज ले लिया, सुपर इम्पोज नहीं होगा, वो काइरल का ऑब्जेक्ट है मारुति 800, क्यों, क्यों उसमें ना स्टेयरिंग ना लेफ्ट चला गया होगा, अब तुम ये मॉलिक्यूल है ये मारुति 800 है, उसका मिरर इमेज दूसरा बनेगा, ऊपर रखोगे ना ऐसे पूरा अंदर घुसा दो, इसको बॉडी मानो और दूसरा मिरर इमेज को आत्मा मानो, उस आत्मा को पूरे अंदर ऐसे घुसा दो, तो स्टेयरिंग से तो मैच नहीं कर रहा है, अबे जो ऑब्जेक्ट था उसमें स्टेयरिंग राइट में है, इमेज में स्टेयरिंग लेफ्ट हो जाएगा कि नहीं, चलो ये पाम देखो, ये पाम इतना, ठीक है ना, इसका मिरर मिल जाओ, आइए अंगूठी हटा दो, पर ये जो रेखा है वो भी मत देखो, इसमें जो मत देखो, ऐसे सिंपल पाम मानो, है ना, जैसे हाथ ही है, कैसा हाथ पे, इधर गोरा है इधर काला ब्राउन है ऐसा, ठीक है, तो इसका मिरर मिल कैसा बनेगा, ऐसा, अभी मिरर मिल है, ठीक है, ये काइरल है, देखो ध्यान से, सुपर इम्पोज नहीं करेगा वो, करके दिखा, अभी ऐसे जैसे मान लो आत्मा है घुस रहा है बॉडी में, कैसे घुस पाएगा, नहीं घुस पाएगा, देखो तो थम तो इधर है, ठीक है, तुम बोले सर ऐसे घुसा दीजिए, अब तो हो गया थम थम इंडेक्स मिडिल जो भी है सब रिंग और लिटिल फिंगर, अब तो है नहीं, अभी भी नहीं हो रहा सुपर इम्पोज, अभी गोरा वाला गोरा से टच कर रहा है, जब ये आत्मा अंदर घुसेगा ना तो गोरा वाला सरफेस को छोड़ देगा, और पूरा अंदर घुस गया तो ये इसका गोरा वाला और इसका काला वाला को मैच करेगा, तो सुपर इम्पोज नहीं हुआ, इस फिंगर का नाव जो नेल्स का बना ऐसे कौन कौन केव है,
और इस फिंगर का नेल सब कैसा है, ऐसे है, तो नेल जल कैसे सुपर इम्पोज करेगा, नहीं कर रहा सुपर इम्पोज, तो काजल हो गया। अब ये जूता है और ये वाला जूता, इस जूता को आईना के सामने रख दो तो जो इमेज दिखेगा ना वो ये वाला जूता दिखेगा। ये जूता इस काइरन, क्या कि इसका जो इमेज है वो तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल एमआई वाला को काइरन बोलते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज, तुम देख रहे हैं ये जूता उसका जो मिरर इमेज होगा दूसरा जूता होगा, तो आप दो जूता है ना लगा के देख लो, देख लो तुम जो जूता पहनता है एक जोड़ा उसमें का एक जूता काइरन है, काई उसका जो मिरर इमेज बनेगा ना वो दूसरा जूता है जो तुम पास पड़ा हुआ, अब उसको तुम उसको पर उस ऊपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। इसका ऐसा करके ऐसे है, देख रहा है ऐसे करे तो खाली सोल करेगा, सोल छू रहा है, लेकिन तुमको सुपर इम्पोज में पूरा घुसा देना है आत्मा को बॉडी में। अरे हाँ, जैसे मान लो कि कोई ऐसे जा रहा रोड पे और अचानक से उसको दिल का दौरा आया और ऐसे मर गया, गिर गया जमीन पे, तो उसमें से आत्मा निकलेगा, दिस बॉडी एंड दैट आत्मा सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल है, ये बात सुनो, वो आत्मा अंदर ऐसे पूरे अंदर में घुसेगा वैसे ही। अब मान ली आत्मा उल्टा घुस रहा हो तो मुंडी इधर पैर इधर, बोलो तो आत्मा बोका है उसका हम क्या करें, आत्मा बेवकूफ़ है उसको ढंग से घुसना है वैसे ही में जैसे जैसे था, जैसे बॉडी है उसी में ऐसे घुसेगा, ऐसे उल्टा घुसेगा तो भी नहीं होगा, उल्टा पैर कर लेगा मुंडी कर लेगा तो भी नहीं होगा, वो बोका है उसका क्या करना है, ठीक है। मतलब सुपर इम्पोज तो तुमको समझ में आ चुका है, उससे का हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या यूज करें, काइरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन जाने, हम लोग डेफिनेशन पे झपट्टा मारना बाबू हम ध्यान रहे, है ना। क्या होता है काइरल मॉलिक्यूल, काइरल मॉलिक्यूल होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना हो। काइरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाने वाला, या फिर काइरल मॉलिक्यूल क्या हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना हो। ये बात समझ में आ रहा है, ये तो काइरल का डेफिनेशन है, काइरल मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब आया काइरल सेंटर, काइरल मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये तुम लोग काइरल मॉलिक्यूल का ये कंप्लीट डेफिनेशन है, तो सर हमको एग्जाम में पूछेगा काइरल मॉलिक्यूल है कि नहीं, हम बार बार आईना लगा लगा के चाहे इमेजिन कर करके उसको बनाते रहेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बोला हाँ इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुमको कोई आइडिया बताइए कि हम सीधे देख के बता दें कि मॉलिक्यूल काइरल है कि नहीं, बताते हैं आइडिया, उसी को बताने के लिए हम लोग ये दो चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हम लोग काइरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन अभी किए हैं, है ना, इसको हम दिखाएंगे भी तुमको। अब जरा देखो तो ये सबको ध्यान हो गया, प्लेनेट ये सब कोई, इट इज नॉट नेसेसरी दैट काइरल मॉलिक्यूल कंटेन्स काइरल सेंटर, तो हम काइरल सेंटर बताने जा रहे हैं, है ना। क्या लिखे हम लोग नोट में, इट इज नॉट नेसेसरी that chiral molecule contains chiral center, वही chiral center देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है भाई chiral center, chiral center हुआ ना एक ऐसा स्पेशली कार्बन ही मिले chiral center या फिर कार्बन, कभी कभी तुमको हम फॉस्फोरस सल्फर ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, है ना। तुम जनरली कार्बन पे अभी कॉन्सेंट्रेट करो, उसका डेफिनेशन पकड़ लोगे ना, तब तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस विल हैपन ऑन इट्स ओन, ठीक है ना। क्या बोले कि एक ऐसा सेंटर मात्र, सेंटर मतलब कोई एटम स्पेशली कार्बन, ठीक है, इसको हम लोग बाद में करते कॉन्फिगरेशन पर है इकट्ठा पढ़ना हम लोग, है ना। एक ऐसा एटम जिसपे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, जैसे भी कार्बन है कौन कौन चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, जैसे लिखे हो HCl OH, कौन छोड़ गया है ब्लू वाला Me, देख लो तो, ठीक है। एक ऐसा कार्बन में तो sp3 होना ही पड़ेगा, तब में चार वो डिफरेंट ग्रुप आएगा। एक ऐसा एटम, ठीक है ना, एक ऐसा एटम जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, दिख रहा है तुमको, इसको हम ऐसे स्टार लगा देंगे, स्टेरिक साइट लगाया था, ठीक है ना,
लगा हुआ कायरल सेंटर हो गया, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग कायरल सेंटर खोज पा रहे हैं क्या? देखो तो बताओ तो ऐसे इसमें कायरल सेंटर खोज पा रहे क्या सबको बताइए? तो सबको दिख रहा है कि ये कायरल सेंटर है, बोलो कैसे पता लगाओ? इस कार्बन पे जुड़ा हुआ एक मिथाइल, इधर इथाइल और इधर प्रोपाइल एन प्रोपाइल और एक और कौन है एच, जो नहीं बना वो एच है, ध्यान है ना? तो कार्य सेंटर हो गया। तो हम लोग पहले कार्य सेंटर और आर एस पे बात करते हैं, फिर इसके डेफिनेशन पे आएंगे, है ना? कार्य सेंटर और आर एस कॉन्फिगरेशन, तुमको हम ढेर सारा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तुम जितना कार्य सेंटर है उसे बताओगे। जैसे बता दो रिपोर्ट या आइडेंटिफाई और कायरल सेंटर्स, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयन, ठीक हो? इतना फटाफट बताना है, जैसे कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। पहले बताइए इसमें कायरल सेंटर कितना है? इसमें कायरल सेंटर एक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सस्पेक्टेड है, ये कार्बन हो सकता है कायरल सेंटर वाला, दिख रहा है? ये दो तो अलग अलग है, लेकिन ये वाला पाथ CH2 ये कार्बन जिसपे OHH है, CH2 ये कार्बन जिसपे OHH दिख रहा है, ये जो दो ये पाथ है ना दिस और दिख रहा है, इधर से इधर पूरा ट्रैवल करो, पूरा ट्रैवल करते हो, ठीक ना? और सेम ग्रुप, ठीक है। और इस पे अगर दो सेम ग्रुप है तो कारण नहीं है, वैसे ये भी कारण नहीं है, सबको दिख रहा है? फिर से देखो, CH OH H वही चीज है, यहां लगा दिए बगल में, ठीक है। देखो ये कार्बन, देखो ध्यान से, कायरल है कि नहीं? हाँ, इस बार ये कायरल है। कैसे पता लगा? देखो तो ध्यान से, ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग ग्रुप है, इधर से CH2 तीन बार, ठीक है, यहां पहुंचे हैं, तो CH2 फिर इस कार्बन पे आए जिस पर HOH है, यहां पे एक के बाद CH2 और इस कार्बन पे आ गए, तो ये और ये पाथ अलग अलग है। फिर से ये अलग अलग है, दोनों तो दिख गया, इधर से CH2 तीन ग्रुप, इधर से एक के वो CH2 है यार, नहीं तो ये दोनों आर्म क्या हो गए? ये दोनों आर्म ट्रैवल करो पूरा, ये दोनों आर्म क्या है? अलग अलग हो गया, ठीक है, हो गया। एंड सिमिलरली ये वाला भी कारण हो गया, बोलिए H और OH तो अलग अलग ही है, इधर क्या है? एक एक CH2 के बाद ही भेटा गया, यहाँ के बाद एक CH2 दो CH2 तीन CH2 के बाद भेटा, तो दोनों आर्म अलग अलग है, तो दो टू कायरल सेंटर है, दिख रहा सबको? ठीक है, फिर से बताइए। तो यहां पे कितना कायरल सेंटर है बोलो? एक भी नहीं है, ठीक है। ये सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड कार्बन है, इस पे एच है, यहां क्या है? मिथाइल है, ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन इधर इथाइल और इधर भी इथाइल, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। और यहां बताइए, कायरल सेंटर दो ठो आ गया, बोलो कायरल सेंटर दो ठो आ गया, दिख रहा है? ये सस्पेक्टेड, ये सस्पेक्टेड, उस पे एच है एक ठो, ठीक है। एच और सीएल तो अलग अलग है, फिर इधर क्या लगा हुआ है? इधर लटक रहा है मिथाइल और इधर ये पूरा कचरा, इधर ग्रुप दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? कायरल हो गया,
ठीक है। फिर इसको देखो, ये सस्पेक्टेड है, ये सस्पेक्टेड है, इस पे एक ठो एच है, एक ठो मिथाइल है, अलग अलग दिख रहा है, इधर इथाइल है और ये इथाइल है क्या? नहीं, इधर इधर कार्बन जिस पर सीएल लगा हुआ है। तो ये ट्रैवल करो चार अलग अलग दिशा में, चारों अलग अलग होना चाहिए। इधर तो दिख रहा है मिथाइल और एच अलग अलग है, इधर इथाइल और इधर क्या है, इधर कार्बन जिस पर सीएल है, ऐसा इधर नहीं है, ये दिख रहा है कहानी। तो ये कार्बन हो गया वाला, बोलो ठीक है। फिर देखो जैसे बोलिए ये सॉल्ट, ठीक है, इस सॉल्ट में ये जो N है सस्पेक्टेड दिख रहे इसको हम लोग, ठीक है, इस पर अनायन को अलग कर दिए C माइनस। अब इस कटायन के बारे में देख रहे हैं, जिसमें से N कायरल सेंटर हो गया, दिख रहा होगा N कायरल सेंटर हो चुका है। देखो ध्यान से, इधर इथाइल मिथाइल एच आइसोप्रोपाइल, तो ये क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। हाँ ठीक है, देखो फिर से N कायरल सेंटर हो गया, लोन पेयर को भी एक तो ग्रुप मानोगे तुम लोग कायरल सेंटर देखने के लिए, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है ना नाइट्रोजन, ठीक है, तो लोन पेयर को भी एक तो ग्रुप मानोगे कायरल सेंटर देखने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कायरल है सेंटर, उसको बताइए तो कायरल है कि नहीं, कटायन है, ठीक है, तो क्या हो गया, कायरल हो गया, दिखा इस पे एक ठो लोन पेयर भी है, सबको देखो ध्यान से भाई, एक ठो लोन पेयर भी तो है, ठीक है, तो क्या हुआ देखो, लोन पेयर को भी वो ग्रुप मानोगे, ठीक है, इसको चार sp3 है, पहले ऑक्सीजन दिखा सबको, sp3 चार ग्रुप है, कौन कौन, लोन पेयर एच मिथाइल इथाइल, चारों डिफरेंट है, कायरल सेंटर पहचानने आ गया है, ठीक है ना, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे उसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कायरल सेंटर है ना उसका RS कॉन्फ्यूग्रेशन भी होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ्यूग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलने वाले, एब्सोल्यूट कॉन्फ्यूग्रेशन, हम लोग कन्फ्यूग्रेशन अलग अलग तरह का कन्फ्यूग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे, कन्फ्यूग्रेशन, तो कॉन्फ्यूग्रेशन का नाम भी है, ठीक है, कायरल सेंटर अगर कॉन्फ्यूग्रेशनल, कायरल सेंटर का, कायरल सेंटर पे ना एक तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कायरल सेंटर पे ना एक तरह का चार, एक तरह का अरेंजमेंट है चार ग्रुप का, ठीक है, फिर हम दो लोग को तोड़ के साफ कर दिए, तो उसी कायरल सेंटर पे अरेंजमेंट बदल गया है, कैसे बदल गया हम पूरा शो करेंगे अच्छे से। तो ये जो पहले ये जो अरेंजमेंट था, ये अगर आर है, अगर यहाँ पे कायरल सेंटर पे एक कॉन्फ़िगरेशन का नाम है वो आर, ठीक है ना, तो जो दूसरा अरेंजमेंट होगा क्या हो जाएगा एस, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है कायरल सेंटर का, तो कायरल सेंटर का ही होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर या एस जो हम लोग देखने आ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या भी देखने आ रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कायरल सेंटर का ही होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं, या तो उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर होगा या उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, यही अब हम लोग करने जा रहे हैं कायरल सेंटर का। एक बार ये कर लेंगे ना तो आगे का पढ़ाई, इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आगे का पढ़ाई एकदम दूर बात है, फटाक से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ऐसा नहीं हम तुमको डरा नहीं रहे, हम बोल रहे कि इसको करना जरूरी है वो हम बता रहे हैं।
ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, अगले लेक्चर में करते हो। जो टिल देन गुड लक।